मेरी आज की कविता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को डेडिकेटेड है, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को डेडिकेटेड है। इस कोरोना के समय में, इस पूरे लॉकडाउन में हमने हर किसी को धन्यवाद दिया है, डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए एक विद्युत कर्मी है जो 24 घंटे 100% देके अपने काम पर ज्यों का त्यों लगा हुआ है। मेरा उसे दिल से धन्यवाद जो 24 घंटे हमारे दिमाग पर रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी उन्हें भूल गए धन्यवाद देना। सोचिए अगर इस समय आपके घर या मेरे घर या बाहर शहर में लाइट नहीं होती तो लाइफ कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती। मेरे आज की कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। सोचो कितना अस्त व्यस्त जीवन हो जाता अगर विद्युत कर्मी ऑफिस ना जाता, ना बनती लाइट, ना होता उजाला, ना खा पाते हम चाट मसाला। हो जाता अगर अंधेरा घर पर, ठहर ही जाता मानो जीवन का सफ़र। मोबाइल चार्ज अगर ना हो पाता, सांसें ठहर जीवन रुक जाता। ना व्हाट्सएप ना फेसबुक चला पाते तो कैसे अपनों को अपना हाल बता पाते। देश विदेश की खबरें हम कहाँ से पाते क्योंकि टीवी तो देख ही नहीं पाते। ना फ्रिज ना एसी ना पंखा चलता, ऊपर से गर्मी से सारा घर अलग से दहलता। ना लूडो ना चेस खेल पाते तो कैसे घर में ऐश रह पाते। घर तो घर, बाहर का जीवन कितना मुश्किल हो जाता, रातों में चोरों का तानाशाह अलग से बढ़ जाता। अस्पताल में कितनी दिक्कत हो जाती, सबके दिलों की धड़कन अचानक से बढ़ जाती। वेंटिलेटर्स और बाकी की मशीनें काम कैसे कर पाती, देश में अलग से हाहाकार मच जाती। बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, एटीएम मशीन भी कैंसिल हर एक्शन को कर जाता। सोचा मैंने हमने सबको धन्यवाद दिया, फिर क्यों एक विद्युत कर्मी को दरकिनार किया। धन्य है विद्युत कर्मी आप लोग, हर मौसम हर घड़ी साथ हैं आप लोग। दूर दूर, जंगल जंगल, घर हो या खलियान, हो आप सब साथ तो रहती है हम सबके चेहरों पे मुस्कान। सर्दी हो या गर्मी सब कुछ सह जाते हो, बिजली कड़के या पानी बरसे फिर भी काम पर जाते हो। हमारा जीवन तो 100% आप पर निर्भर करता है, जनजीवन सब कुछ आपकी देखरेख में ही तो चलता है। इस विपदा के समय में है भगवान जिस प्रकार एक डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी, मेरे लिए तो भगवान का रूप ही हैं आप सब विद्युत कर्मी। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।